अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम मध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास जगविख्यात शास्त्रज्ञ थॉमस एडिशन, जेम्स वॉट, गलीलियो, अलेक्झांडर ग्राहम बेल त्यांच्या शोधांसह इन्व्हेन्शन सोबत दिसत आहेत। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 3 पाळण्यातले पाय अभ्यासणार आहोत। लेखक आहेत राजा मंगल वेडेकर आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। आपल्या पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्रमांक 6, 7 व 8 वर हा पाठ दिलेला आहे। पाळण्यातले पाय लेखक आहेत राजा मंगल वेडेकर। 1925 बाल साहित्यकार, चरित्रकार, कवी, गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगड, बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 भाग 2, तेनाली रामच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे ललित निबंध ही प्रसिद्ध। न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहेत। राजा मंगल वेडेकर 1925, इन्होंने बच्चों का अदब तहरीर किया है। किरदार नवेश, शायर, यहाँ पर इनकी तहरीर करदा मुख्तलिफ किताबों के नाम दिए गए हैं। इनके मशहूर मजामीन के नाम दिए गए हैं। बचपन में न्यूटन के तजस्सुस की मुख्तलिफ मिसालों को मौजूदा सबक में बयान किया गया है। विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास राजा मंगल वेडेकर यांची लिहिलेली काही पुस्तके दिसत आहेत। स्क्रीन पर आप अजीम साइंसदान आइजक न्यूटन की तस्वीर देख रहे हैं। आज हम उनकी जिंदगी के चंद वाकयात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पाळण्यातले पाय बचपन में ही मुस्तकबिल के कारनामों का अंदेशा होना। एका नदीच्या काठी एक लहान से घर होते। नदीच्या काठी नदी के किनारे, लहान से यानी छोटा सा, एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। उस घर में
आइजेक नाम का एक लड़का और उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। मुलगा मोटा चतुर आणि बोलका होता। चतुर यानी चालाक और बोलका यानी बातें करने वाला। मुलगा मोटा चतुर लड़का बहुत ही चालाक और बातें करने वाला था, बोलका था। तो दिवस भर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का असेच का तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडी। नाना प्रश्न अनेक असंख्य प्रश्न अनगिनत सवालात भंडावून सोडणे, हैरान करणे, परेशान करना, हैरान करना। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला वो दिनभर अपनी जईफ दादी को हेच का, यही क्यों, तेच का, वही क्यों, असेच का, ऐसे ही क्यों, तसेच का, वैसे ही क्यों, असे नाना प्रश्न विचारून, ऐसे अलग अलग सवाल पूछकर भंडावून सोड़ी, यानी उनको हैरान करता था, उनको बेजार करता था, उनको परेशान करके छोड़ता था। इससे हमको मालूम पड़ता है कि उस लड़के में बहुत ज्यादा तजस्सुस था, वो हर बात को जानना चाहता था। अब आगे देखते हैं। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागे होई। अब इसका मतलब देखते हैं हम पहले। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, रोजाना आसपास दिखाई देने वाली बातें, होणाऱ्या घडामोडी, घडामोडी इसके अर्थ है घटना, प्रसंग, कोई वाक्या। तो होने वाली घड़ामोड़ी यानी घटना, प्रसंग, वाक्यात, उथल पुथल या साऱ्यान बद्दल से, इन तमाम बातों के मुतालिक एक विशेष कुतूहल। कुतूहल उत्सुकता, तजस्सुस या मुलामध्ये जागे होई। इस लड़के के दिल में एक खास तजस्सुस पैदा होता था। म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा बिचारी, आजी हे पाणी कुठून येतं ग? इसलिए बारिश की शुरुआत होने पर वो पूछता था, दादी ये पानी कहाँ से आता है? इससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे में किस कदर तजस्सुस का जज्बा था। वो हर चीज को जानने के लिए बेचैन रहा करता था। जोरदार वाऱ्या ने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा बिचारी, आजी वारा कुठं राहतो ग? जोरदार वाऱ्याने, यानी जबरदस्त हवा से, जोरदार हवा से घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या, घर की खिडकियां बजने लगी की हा बिचारी। तो ये पूछता था, आजी वारा कुठं राहतो ग? दादी हवा कहाँ रहती है? अब बताइए, इतनी छोटी सी उम्र का बच्चा है और उसके जहन में कैसे कैसे सवालात आते थे। नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, कपटा तुकड़ा, नदी में फेंके हुए कागज के टुकड़े, चिंदी, चिंदिया। गवताची काडी, गवताची काडी घास की काडियां, गवत यानी घास, घास की काडियां। पाण्या बरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, पानी के साथ बहते हुए देखता था तो ये पूछता था, आजी नदीच्या पाण्या बरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? क्या पूछता था वो, दादी नदी के पानी के साथ ये अशिया बहते हुए क्यों जाती हैं?
म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे. बूढ़ी दादी जितना कह सकती थी उतना कह देती, पण कधी कधी तिला ही माहित नसे. लेकिन कभी कभी उसको भी इन बातों का इल्म नहीं होता था. अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला? ऐसे वक्त में वो भी उसे क्या बताएगी? मग काही तरी सांगून ती वेळ मारून नेई, तर कधी गप्प बसून राही. वेळ मारून नेणे, काहीतरी करून आताची वेळ टाळणे. वक्त को टालना. अब क्या कहती है दादी? मग काही तरी सांगून फिर कुछ भी कहकर वो वक्त को निभा ले जाती थी. तर कभी गप्प बसून राही तो कभी खामोश रहती थी. यानी उस बच्चे के सवालात ऐसे थे कि कभी कभार दादी भी लाजवाब हो जाती थी. उसे भी मालूमत ना होती तो वो खामोश रह जाती थी. पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे. चैन न पडणे, अस्वस्थ होणे, मन न रमणे, बेचैन रहना, सुकून नहीं मिलना, सुकून से नहीं बैठना. पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे. लेकिन ये बच्चा सुकून से नहीं बैठता था. हमेशा ये कैसा रहता? बेचैन रहता. कुछ ना कुछ जानने की ख्वाहिश उसके दिल में रहती. त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे. त्याच्या शंकेचे म्हणजे उसके शक शुभा का बरोबर उत्तर मुनासिब जवाब मिळाल्याशिवाय, मिले बगैर त्याला समाधान लाभत नसे. समाधान इत्मीनान, उसे इत्मीनान हासिल नहीं होता था. त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊन ही प्रश्न विचारत बसे. इसके लिए वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर सवालात पूछता था. यानी अगर कोई सवाल का जवाब उसकी दादी नहीं दे पाती थी तो उसे इत्मीनान नहीं होता. वो बेसुकूनी से बैठा रहता और वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर उनसे सवालात पूछता. कभी कभी तासन तास इसके मानिए घंटों. आभाड़ा करे, आभाड़ आसमान. कभी कभी क्या करता ये? आसमान की तरफ टक लाउन बसे. टक लाउन बसना, नजरें जमाकर बैठ जाना. कभी कभार घंटों आसमान की तरफ नजरें जमाए बैठा रहता. तर कभी नदी किनारी तहान भूख विसरून जाई. तहान भूख इसके मानी होते हैं भूख प्यास. कभी कभी नदी के किनारे बैठकर वह अपनी भूख प्यास भूल जाता था. क्यों भूलता था? क्योंकि उसकी नजरें नदी के पानी पर होती थी. उस पानी में बहती हुई मुख्तलिफ चीजों को देखते हुए उसके मन में कई सारे सवालात पैदा होते थे और वो टक लगाए कभी आसमान को देखता और कभी नदी को देखते बैठ जाता. और ऐसे वक्त में उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती थी. एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता. एक रोज वो ऐसे ही चट्टान पर नदी के पानी में पैर छोड़कर बैठा था. घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती. जाते धान्य दळण्याचे पूर्वीचे घरगुती दगडी साधन. पहले जमाने में आज की तरह इलेक्ट्रिक की चक्कियां नहीं होती थी, तो इस तरह से पत्थर की चक्की घर में होती थी. उस पर औरतें अनाज पीसकर आटा तैयार करती थी.
घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती। घर में उस बच्चे की बूढ़ी दादी चक्की पर अनाज पीस रही थी, धान यानी अनाज दळत होती, पीस रही थी। जात्याचा घर घर आवाज ऐकू येत होता। चक्की की घर घर की आवाज सुनाई दे रही थी। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नी डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। उस बच्चे के कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे उस घूमती हुई चक्की की आवाज की तरफ थे। नी डोळे और आंखें वाहत्या पाण्याकडे होते, बहते हुए पानी की तरफ थी। चटकन त्याच्या मनात आले, चटकन फौरन, फौरन उसके जहन में आया, हे पानी दगड गोट्यांनाही आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे। ये पानी पत्थर और गोल पत्थरों को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। एवढी शक्ति जर या वाहत्या पाण्यात आहे, इतनी ताकत अगर इस बहते पानी में है, तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये? तो इस पत्थर से और चंद काम क्यों ना करवा लिए जाए? देखिए बच्चों, इस बच्चे का जहन कितना तेज था, कान उसके थे चक्की की आवाज पर और नजर बहते हुए पानी पर। किस तरह से उसने इस बात का तज्जिया किया कि बहते पानी की कुवत का इस्तेमाल क्यों ना किसी और तरह किया जाए? थरलेच मनाशी निर्णय पक्का झाला, तय किया, दिल में इरादा मजबूत किया। तो उठला, वो उठा, घरी गेला, घर गया। त्याने आपली पुरचुंडी काढली, पुरचुंडी छोटे गाठोड़े, छोटी पिशवी, छोटी सी गठरी। त्याने आपली पुरचुंडी काढली, इसके मानी है उसने अपनी छोटी सी गठरी निकाली। आजी ने वेड़ोवेड़ी खाऊ साठी दिलेले पैसे काट कसरी ने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती। काट कसर बचत, बचत करके, पूंजी पैसे। आजी ने वेड़ोवेड़ी खाऊ साठी दिलेले पैसे, दादी ने वक्तन फवक्तन खाने के लिए दिए हुए पैसे काट कसरी ने खर्च करून, यानी बचत करते हुए खर्च करके त्याने ही पूंजी जमा के लिए होती। उसने ये चंद रुपए जमा किए थे, क्या किया था उसने, एक गठरी में या एक छोटी थैली में बांध के वो पैसे को रखा हुआ था। त्या पैशातून त्याने काही वस्तु खरेदी केल्या, उन पैसों से उसने चंद चीजों की खरीदी की, चंद अशिया खरीदी। नदी किनारी खड़कावर बसूनच त्याने एक चक्र तयार केले। नदी किनारे चट्टान पर बैठकर उसने एक चक्र तैयार किया। ते चक्र त्याने एका सळईला जोडले। सळई लांब लचक लोखंडी खांब, काठी लोहे की एक किस्म की काठी। अब इस बच्चे ने क्या किया, ते चक्र त्याने एका सळईला जोडले। उसने उस चक्र को एक सलाख से जोड़ दिया। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली।
प्रवाह ओघ, पानी का बहाव। अब इस लड़के ने क्या किया, पाण्याचे जोराने यानी पानी के प्रेशर से, पानी के दबाव से चक्र फिरेल, चक्र घूमेगा। अशा रीति ने इन्हें ऐसे तरीके से ती त्याने प्रवाहा जवळ बसवली, उसने पानी के बहाव के पास उसे लगाया। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले, पानी के दबाव से, पानी के तेज रफ्तार बहाव से वो चक्र जो था वो घूमने लगा। तशी सळई ही फिरू लागली, वैसे ही सलाख भी घूमने लगी। इस तरह से एक तजुर्बा कर रहा है ये लड़का। इसमें कितना तजस्सुस है कोई चीज को जानने का, वो आप इन वाक्यात से समझ सकते हैं। फिर ते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला, घूमता हुआ चक्र देखकर उस लड़के को इतनी खुशी हुई कि तो धावत धावतच के वो दौड़ते दौड़ते घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला। घर पर दादी के पास गया और कहा, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। दादी दादी मेरा घूमता हुआ चक्र देखने के लिए चलो। आजी त्याच्या बरोबर गेली, दादी उसके साथ गई। पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते। पण तेवढ्यात लेकिन उतने वक्फे में उसके दोस्तों ने चक्र को तोड़ फोड़ डाला था। कारण तो एकटाच काही तरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडलेले होते, क्योंकि वो अकेला ही बैठकर कुछ तो कर रहा था। ये देखकर उसके दोस्त उस पर नाराज थे, चिढ़े हुए थे, गुस्सा थे। तो राग त्यांनी असा काढला होता, वो गुस्सा उन्होंने ऐसे निकाला था, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला। वहां पर कुछ भी नहीं है ये देखकर दादी को भी लड़के का गुस्सा आया। त्याचे असले तरहे वाईक बोलणे निवागणे तिलाही पसंत नव्हते। तरहे वाईक विचित्र बोलणे, अजीब ढंग, अजीब तरीका। त्याचे असले तरे वाईक बोलणे निवागणे तिलाही पसंत नव्हते। उसका इस तरह का बोलना और बर्ताव करना दादी को पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावच्या शाळेत ठेवले। आखिरकार बच्चे को अच्छे ढंग से तालीम हासिल करना चाहिए, इसलिए उसने उसे दूसरे गांव की स्कूल में दाखिल कर दिया। इस वाक्य से बच्चों आपको अंदाजा हो रहा होगा किस तरह से वो खुश होकर अपनी दादी के पास जाता है और उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं उसके चक्र को तोड़ देते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो बच्चा सब में मिक्स नहीं होता है, उसमें कुछ अलग खुसूसियात होती है, वो कुछ अलग करता है तो दूसरे बच्चे उसे परेशान करना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इनके दोस्तों ने इनके साथ किया। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते। एक मर्तबा क्या हुआ, क्लास में उस्ताद सबक समझा रहे थे, पर
पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता. दंग होणे, गुंग होणे, मग्न होणे. पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता. लेकिन ये लड़का खिड़की से बाहर देखने में मशगूल था, बाहर देखने में मगन था. त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते, उसकी तवज्जो उस्ताद की तरफ नहीं थी. हे पाहून गुरुजींना राग आला. ये देखकर उस्ताद को गुस्सा आया. त्यांनी रागाने विचारले, उन्होंने गुस्से से ही पूछा, बाहर काय बघतोस, बाहर क्या देख रहे हो? मुलाने उत्तर दिले. लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी ते पहा ढग कसे धावता हेत आभाळात. मुलाने उत्तर दिले. लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी ते पहा ढग कसे धावत आहेत आभाळात. लड़के ने जवाब दिया, उस्ताद साहब वो देखिए बादल कैसे दौड़ रहे हैं आसमान में. हवेत केवड़ी शक्ति आहे नाही, हवा में कितनी ताकत है ना, पहा देखिए पहा ढगांना कशी पळवत नेत आहे ती. देखिए देखिए बादलों को कैसे भगा कर ले जा रही है वो. हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नाही करून घेतला जात. अब उस लड़के ने सवाल किया, हवा में अगरचा इतनी कुवत है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता. देखिए अब ये वाकया किस तरह से क्लास में तालीम हासिल करते हुए उनका ध्यान जमात से बाहर था, बादलों की ओर, और उन्होंने देखा कि हवा जो है बादलों को उड़ाकर ले जा रही है. तो उनके मन में ये सवाल आया जो उन्होंने अपने उस्ताद के सामने कहा कि अगर हवा में इतनी कुव्वत है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता. यानी पहले उन्होंने पानी के बारे में यही बात को पेश किया था, अब उन्होंने हवा के बारे में इस बात को पेश किया. सांग हवेला हात वर करून म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल. अब उनके गुरुजी ने कहा, बोल हवा को हात ऊपर करके. सांग हवेला हात वर करून, बोल हवा को हात ऊपर करके, म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल. यानी तुझे ही वो उडाकर ले जाएगी. गुरुजी म्हणाले, गुरुजी ने कहा, सारा वर्ग खो खो हंसू लागला. सभी बच्चे खीखी करके हंसने लगे. यानी सबने मिलकर उस लड़के का मजाक उड़ाया. पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही. लेकिन उस लड़के ने अपने शौक को छोड़ा नहीं. त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले. विचार चक्र गौरवफिक्र का चक्र. उसके गौरवफिक्र करने का चक्र चलता ही रहा. त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले. पवनचक्की वाऱ्यावर फिरणारी लोखंडी मोठी पाती या चक्राकार गतीतून वीज निर्माण होते. हवा पर घूमती है ये पवन चक्की और इसके घूमने की रफ्तार से जो है, इसके घूमने की वजह से जो है बिजली तैयार होती है. देखे बच्चों, ये है पवन चक्की जिसे उर्दू में पंचक्की कहते हैं.
किस तरह से हवा से ये घूम रही है? तो यहां पर उर्दू में समझ लेते हैं हम, त्याच वेड़ी गावा बाहर चिया टोंगरा जवड़। उसी दौरान गांव के बाहर के पहाड़ के पास एक प्रचंड पवन चक्की, एक बहुत बड़ी पवन चक्की बसवण्या तीरणार आहे असे त्याला कळले। एक बहुत बड़ी पवन चक्की लगाई जाने वाली है ऐसा उसे मालूम पड़ा। ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकड़े गेला। ऐसा पता चलते ही ये लड़का फौरन उधर चला गया। ये खबर मिलते ही वो लड़का फौरन उधर गया। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवन चक्कीचे मोठे मोठे पंख तिथे बसवत होते। मजूर कामगार मजदूर। पाहतो तो खरेच, देखा तो सही मानो में सच मानो में, काही मजूर कुछ मजदूर चंद मजदूर पवन चक्की से मोटे मोटे पंख तिथे बसवत होते। पवन चक्की के बड़े बड़े जो पंखे थे वहां पर लगा रहे थे। त्याला फार आनंद झाला, उसे बहुत खुशी हुई। त्याचे औत्सुक्य वाढले, औत्सुक्य उत्सुकता कुतूहल तजस्सुस, उसका तजस्सुस बढ़ गया। त्याने त्या मजुरांना किती तरी प्रश्न विचारले। उसने उन मजदूरों से कई सवालात किए। हे काय नी ते काय, ये क्या वो क्या, असा का नी तसा का, ऐसा क्यों वैसा क्यों। यानी इस लड़के में इस कदर तजस्सुस था कि उसने खबर मिलते ही फौरन वहां पर पहुंचकर मजदूरों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए। अब तक का जितना हिस्सा हमने यहाँ पर सबक का पढ़ा है उसमें आपने देखा कि इस लड़के में किस कदर तजस्सुस था, उसके जहन में किस तरह के सवालात उमड़ते रहते थे और वो अपने सवालात के जवाब हासिल करने के लिए बेचैन रहता था। इस वीडियो में हमने पाळण्यात ले पाए इस सबक का आधा हिस्सा देखा है, मुकम्मल किया है। इसके बाद का आधा हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। उस वक्त तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, अल्फाज वाणी देखिए, कहावतें मुहावरे सबका मुताला कीजिए। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तास। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तास।